देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। भंडारा जिले में अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। लोगों के घर तो घर, गांव तक पानी में डूब गए। वहीं भंडारा शहर का सरकारी गोदाम भी इस बाढ़ की चपेट में आ जाने से गोदाम में रखा अनाज काफी मात्रा में खराब हुआ है। गोदाम में पूरे 2 से 3 दिन तक करीब 13 से 14 फुट पानी भरा रहा, जिससे गोदाम में रखा सारा अनाज सड़ने लगा। ऐसे में चने पर अंकुर लग गए और गोदाम में रखा चावल, गेहूं, दाल, शक्कर आदि अनाज खराब हो गया, जिससे आसपास के परिसर में दुर्गंध फैलने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम पड़ सकता है। पास ही में जिला अस्पताल होने से मरीजों के स्वास्थ्य को धोखा होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। गोदाम में चावल 9,472.62 क्विंटल था। बाढ़ के पानी से 3,826.59 क्विंटल चावल भीग चुका है। कुल गेहूं 6,215.89 क्विंटल था, जिसमें से 1,833 क्विंटल खराब हो गया है। तुअर दाल 700 क्विंटल में से 266 क्विंटल खराब हुई है। 545.25 क्विंटल चना दाल में से 188 क्विंटल दाल भीग गई है। 6.32 क्विंटल चना व चीनी 144 क्विंटल थी, जो कि बाढ़ के पानी से पूरी तरह से खराब हुई है। 29 ते 31 तारखेला मध्ये जो महापूर भंडारा जिल्ह्यात आलेला होता, त्यामध्ये शासकीय गोदाम भंडारा इथे धान्याचा साठा होता, गहू होता, तांदूळ, साखर, चना डाळ, तूर डाळ असे धान्याचे प्रकार होते। शासकीय गोदाममध्ये 10 ते 12 फूट पाणी आतमध्ये शिरल्यामुळे तिथे खूप मोठ्या धान्याचं नुकसान झालेलं आहे। त्यामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांनी साहेबांनी आम्हाला आदेश दिल्याप्रमाणे आम्ही चांगलं धान्य रास्त भाव दुकानदार इथे वितरित केलेले आहे। उर्वरित जे ओलं झालेलं धान्य ते शासकीय गोदाममध्ये आम्ही पोते फोडून वाळू घातलेलं आहे। त्यामधून आमचे प्रयत्न हे आहे की चांगलं धान्य निघाल्यास ते पण वितरित करू। तसेच जे जास्त प्रमाणात ओले झालेले धान्यांना संचालक सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रयोगशाळेला पुण्याला पाठवलेलं आहे। ते मानवास खाण्यास योग्य आहे की जनावरास खाण्यास योग्य आहे याचे जेव्हा रिपोर्ट आल्यानंतर तेव्हा ते ठरवलं जाईल आणि तसेच शासनाला याचे अहवाल पाठवण्यात येईल। त्यानंतर शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे त्याची विल्हेवाट केली जाईल। दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय जेड एंटरप्राइजेस। अब भंडारा शहर में भी उपलब्ध है MI के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जाइए राजीव गांधी चौक के जेड एंटरप्राइजेस में और खरीदे अपने मनपसंद MI प्रोडक्ट्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जुबैर अहमद 9284466878 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।